नहीं क्यों लोग इतनी गर्मी में शादियां करते हैं। तो अभी भाभी का फेशरी किया मैंने, घर पर ही सैलून हो रखा है हमने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बजे का और ये हमारे दामाद जी आए हुए हैं, सेवा चल रही है इनकी। हेलो फ्रेंड्स, लाइक दिस व्लॉग ऑफ शिखाज चैनल। ये अक्षर, अक्षर इज लाफिंग। तेरे को क्या हो रहा है? तो मैं अभी पहले मेरा काम है सुबह सुबह भल्ले रेडी करने का, सारे वेट कर रहे हैं दही भल्ले की। तो पहले मैं भल्ले तैयार करती हूँ जल्दी से, तो आपको भी बताती हूँ साथ में रेसिपी। तो अभी सबसे पहले जो रात को यदि गुंद दाल भी हो रखी थी हमने उड़द की, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम। तो ये दाल मैंने ग्राइंड करके कर ली है रेडी। इसको थोड़ा दरदराई पीस है और इसको जितना हो सके स्पून से ही हम ब्लेंड करेंगे। जितना ऐसे इसको घुमाएंगे उतने ही ये सॉफ्ट बनेंगे। और इसमें और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें घी। और तेल बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भल्ला इसमें जाके फट जाएगा अंदर। एक बारी तेज आंच पे इसको डाल के उसके बाद सिम कर सकते हैं हम गैस। तो ये हमारे भल्ले बनके हो चुके हैं रेडी। और यशविन और गर्वित अभी सोए पड़े हैं, यशविन ये सो रहा और गर्वित ऊपर सोए पड़े अपने दादू के साथ। तो हमें जाना है एक मैरिज में 11-12 बजे तक। तो पहले जल्दी से काम निपटाते हैं, झाड़ू लगा देती हूँ मैं जल्दी से और फिर मिलती हूँ मैं बाद में आपसे। तो फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 10:30 और सबको भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। तो ब्रेकफास्ट में हमने दही भल्ले ही बनाए हैं आज। तो जल्दी से पहले सबको दही भल्ले रेडी करके दे देती हूँ और फिर मैरिज के लिए भी रेडी होना है हमें। तो हम सभी अभी जा रहे हैं मैरिज में, दीदी जा रहे हैं अपनी फ्रेंड की मैरिज में और ये मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए। शिखा के ऑल क्रेडिट गोज टू शिखा एंड शिखा थैंक यू। और हम भी लेट हो रहे हैं, हमें जाना है यही पास में गांव है उधर जाना है और दीदी को जाना है कहीं दूर, तो ये जल्दी निकल रहे हैं पहले। थैंक यू, हेलो, बाय 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 शिखा, ओके मिलते हैं शाम को, ओके चैंपियन। तू भी जाएगा क्या साथ में? चलेगा क्या? बुआ के साथ चल आजा। मैं तो दूसरी शादी में जाऊंगी ना, आपा भी चलते हैं, चल रुक जा। तो अभी जल्दी से मैं भी रेडी हो जाती हूँ, बहुत लेट चुके हैं पतले की। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मैं लहंगा नहीं डाल के जा रही हूँ, सूट डाला हुआ है मैंने सिंपल। और तीन मैरिज हैं आज हमारे, एक पे सुबह देवर गया मेरा और दूसरी पे अभी दीदी और जीजा जी और तीसरी पे अभी हम जाने वाले हैं मम्मी पापा गर्वित और यशविन। और अभिषेक गए हुए हैं हिसार किसी काम के लिए।
तो अभी हम आ तो गए हैं यहाँ शादी में, पर यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी जल्दी से बस खाना खा लेते हैं और वापस चलते हैं घर पे अपने। फाइनली अभी हम घर पे वापस पहुंच चुके हैं और इतनी गर्मी में कोई हाल नहीं है घर से बाहर निकलने का। पता नहीं क्यों लोग इतनी गर्मी में शादियां करते हैं, करनी होती है, एंजॉय करनी होती है तो सही मौसम में भी कर सकते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं हमें इस मौसम में शादी करके। तो फ्रेंड्स आजकल हमारा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, 4-5 दिन लगातार मैरिज ही मैरिज है, थक चुके हैं हम बहुत ज़्यादा, पर ज़रूरी है जाना, क्या करें। तो अभी भाभी का फेशियल किया मैंने, घर पर ही सैलून खोल रखा है आज हमने, बाहर जाने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल ही, तो घर पे ही फेशियल मंगवा के घर पे ही कर दिया। और थोड़ी देर में अभी मेहंदी भी लगाऊंगी इनके, तो अभी भाभी और दीदी जाएंगे मैरिज में, हम में से कोई नहीं जा रहा फिलहाल। यहाँ पे खा रहा है दही बल्ले, उसको सिर्फ दही बल्ले पसंद आ रहे हैं, सुबह से खाना वाना कुछ नहीं खाया इसने, सुबह से दही बल्ले भी खाने भी जो रहा है इसका। मैरिज पे गए थे हम, वहाँ पे भी इसने किसी भी चीज को मुंह नहीं लगाया, घर से यही खा के गया था और वापस आते भी इसको यही चाहिए। बस गर्मी के और मेरे फेवरेट है मेरे हाथ के बने हुए दही बल्ले, मेरे को भी बाहर के दही बल्ले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये देख लो हमारे घर के बच्चे, इनको जितना मर्जी फास्ट फूड खिला दो इनका पेट नहीं भरने वाला। तू क्या बोल रहा है तेरे? गाइस यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो चुकी है चाचा और उनके बड़े लड़के के बीच में, यशविद है कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे हो चुका है झगड़ा, क्योंकि ये यशविन बाहर से क्या क्या आया था कि मैं खाऊंगा पाव भाजी, पर ये घर पे आके बर्गर पे आ गया। तो अभी ले ही आए तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 10 और सभी डिनर कर रहे हैं इधर, और मेरी तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, कोल्ड हो गया मुझे बहुत जबरदस्त, आज सुबह ठंडे ठंडे दही मल्ले खा लिए थे, फ्रिज वाली दही थी ठंडी, तो कोल्ड हो गया, तो अभी मेरा दुख रहा है सिर और दवाई लेके फिलहाल तो मैं सो रही हूँ, और एडिटिंग मेरी बाकी है वो करूँगी मैं सुबह। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय, और कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।